टॉकर हाउस में क्या होने वाला है सर आफ्टर लॉन्ग बैक? बहुत जंग लड़ा है आपने, तो अभी टॉकर हाउस में आप क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं यार, बच्चों से प्यार करूंगा, मोहब्बत करूंगा टॉकर हाउस में। और वहाँ पे मुझे होस्ट करना है। 49 जन, मतलब 13 जन तो बिग बॉस में तो धमाल करते हैं, तो 49 लोगों के लिए क्या होने वाला है सर? अरे बहुत लड़ाई झगड़े होने वाले, बाप रे बाप, क्या क्या होने वाला है, अंदर डांस होने वाला है, मतलब क्या नहीं होगा टिकटॉक हाउस में, मतलब मैं पागल हो जाऊंगा। मतलब आप होस्ट करने के शो को, तो जैसे कि क्या होगा, मतलब ग्रुप में डिवाइड किए जाएंगे 49 यार? ये तो क्रिएटिव डायरेक्टर्स उन लोग के हाथ में, आई एम जस्ट अ होस्ट, एंड अभी मुझे क्या होस्ट करना है वो सब लिख के वो लोग देंगे, मैं अपना थोड़ा सा उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर, अपना तरीका थोड़ा सा डालूंगा, लेकिन एक टीम होगी और वो टीम को डिसाइड करना है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, पूरी टीम डिसाइड। आपके बेटे को इंट्रोड्यूस करा दीजिए सर। तो ये मेरा बेटा है अदान खान, से सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। ओके, कुछ कहना चाहिए? आपके फादर इतने बड़े हीरो हैं, स्टार हैं, कुछ क्या इंस्पायर होते हैं आप अपने फादर से? मेरे फादर बहुत बड़े स्टार हैं, मेरे को अच्छा लग रहा है, अल्लाह ने बहुत अच्छा नसीब दिया है मेरे को। अरे क्या बात है, ये पहला अंग्रेज है जो हिंदी बोल रहा है। सोचो आज नो वन क्वेश्चन, मजा आएगा। विच इज द बेस्ट थिंग यू लाइक अबाउट मी? दैट माई फादर प्ले विद मी। तेरे भाई की झटके गई तो तेरे गले में अटकेगी, तेरे जमान सिर पे लटकेगी और तेरी आत्मा डोंगर बस्ती में भटकेगी। नहीं नहीं, मैंने शुरुआत कुछ नहीं कराई, आजकल के बच्चे बहुत चालाक होते हैं, उन्हें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस वो सीखे सिखाए आ रहे हैं। आजकल ये जो मोबाइल ऐप्स है, मोबाइल है, आईपैड है, ये सब ने बच्चों को बिगाड़ दिया है। साथ ही साथ आपने बहुत ही अच्छी तालीम दी है इस्लाम के बारे में, इसके बारे में आप थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे? यस यस, इस्लाम तलवार से तेज़, बाल से बारीक है, उसके बारे में अभी बात ना ही करें तो अच्छा है। वो इस्लाम तो ऐसा है कि मैं एक मुसलमान हूँ, मैं उसको फॉलो करता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं इस्लाम में कोई कमी नहीं है, मेरे अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, तो मुसलमानों के साथ इस्लाम को मत जोड़िए कभी भी। इस्लाम बहुत पाक है, मुसलमान लोग नापाक है, आप समझिए। तो उसमें हम सब आ जाते हैं, जो हम फॉलो नहीं करते हमारे नबी के तरीके, ये वो बड़ा बड़ा मुश्किल है। तो हमारे अमाल हमारे साथ, उनके अमाल उनके साथ, सबके अमाल सबके साथ। मेरे अल्लाह इतने गफूर और रहीम है, इतने करीम है कि माफ़ करने वाले हैं उनके, मतलब उन्होंने सबको माफ़ किया है, इंशाल्लाह हमको भी माफ़ करेंगे, आपको भी माफ़ करेंगे, हम सबको, सारी कायनात को अल्लाह माफ़ कर दे। Well, I'm feeling very proud of him. He's doing so well, and I wish the whole Toker's house and team the best of the luck, and I sure that they're all gonna rock. Toker house song. Yes, 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 yes. You like that? Amazing. Super hit. Thank you, thank you. So, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना है, बिग बॉस कितना देख रहे हैं आप? मतलब थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे? बिग बॉस मैं देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, कभी कभी देख रहा हूँ, एक क्लिपिंग्स आ जा रही है वो देख रहा हूँ मैं। इतना इशरार सी, ये मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट है इस शो का, जो टॉकर हाउस का वन ऑफ माई फेवरेट कंटेस्टेंट, बहुत ही छोटी मतलब लखनऊ से। अपने बारे में कुछ बताइए, आपके बारे में सर ने मतलब इंट्रोड्यूस करा है, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच भाई का, हमारे बड़े भाई हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ अपने बड़े भाई के, तो इनका बहुत दुआ हमारे साथ है, बहुत हमें सपोर्ट दिए, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ तक मैं पहुँचा, एजाज भाई का सपोर्ट है और बहुत मुझे अच्छा लग रहा। मैं मेरा सपोर्ट नहीं है, तेरा टैलेंट है, इसने अपने आप को एक ऐसा टैलेंट क्रिएट किया
यूपी संघ कबीर नगर से मैं हूँ, बस्ती यूपी संघ कबीर नगर से। आज मैं बॉम्बे आज शहर बस्ती से निकल के बॉम्बे शहर में है। आज इसको लोग जानते हैं, लोग भले इसका मजाक उड़ाना चाहते हैं, लेकिन मैं उनसे ये कह दूं कि ये तुम्हें भारी पड़ सकता है, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान का एक आम आदमी सोता हुआ शेर है, उसके अंदर उंगली मत करना, अगर उंगली किया तो वो तुम्हें चीर फाड़ सकता है। तेरे सवाल आखिरी होते ही नहीं है यार, कसम खुदा की यार। एक आखिरी सवाल, ज्यादा समय नहीं लगा सर, राम मंदिर पर वर्डिक्ट आने वाला है, पीस के लिए आप एक अपील कर दीजिए। राम मंदिर में वर्डिक्ट आने वाला है जिसको लेके काफी, मैं ये कहूंगा राम मंदिर और बाबरी मस्जिद, ये वर्डिक्ट जो आएगा, जो जज हो, मैं करता हूँ विश के वो ये करे कि वहाँ पे स्कूल, वहाँ पे बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल बना दे, हॉस्पिटल्स बना दे जहाँ पे इलाज हो लोगों का, क्योंकि वहाँ पे ना कोई नमाज पढ़ रहा है ना कोई पूजा कर रहा है। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा, फैसला जो भी आए सुप्रीम कोर्ट का, उसका सपोर्ट करिए, अपना अपना काम करिए। जो लोग चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमान में प्रॉब्लम हो जाए, उस पर ध्यान मत दीजिए, हम सब भाई भाई है। यहाँ पे मस्जिद में अजान भी होगी और आरती भी होगी, यही हिंदुस्तान की ब्यूटी है। थैंक यू भास्कर यार।